इस पूरे मामले पर आने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर अजमेर से है। महिला के 7 करोड़ों की ठगी करने वाला कथित तांत्रिक पुलिस के हत्थे अब चढ़ गया है। 160 ग्राम सोने के आभूषण और सिक्के पुलिस ने बरामद किए। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने इसका खुलासा किया। मोबाइल गेमिंग ऐप पर लगाई पीड़ित महिला की रकम, जल्द करोड़पति बनने की चाह में ठगी की वारदात को अंजाम दिया। तारागढ़ निवासी मशियत खान को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता पायल गुंडानी ने बीते दिनों क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज करवाया था। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जल्द करोड़पति बनने की चाह ले डूबी, ठगी की वारदात और क्लॉक टावर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या ये पूरा मामला, किस तरह से कार्रवाई की गई? देखिए, क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में पिछले चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है अजमेर से। महिला के 7 करोड़ों की ठगी करने वाला कथित तांत्रिक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 160 ग्राम सोने का आभूषण और सिक्के पुलिस ने इसके पास से बरामद किए। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। मोबाइल गेमिंग ऐप में पीड़ित महिला की इसने रकम लगवा दी थी, जल्द करोड़पति बनने की चाह में ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। तारागढ़ निवासी मशियत खान को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता पायल गुंडानी ने पिछले दिनों ही क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज करवाया था। बड़ी खबर अजमेर से टीवी स्क्रीन पर। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या ये पूरा मामला था और किस तरह से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, पिछले दिनों क्लॉक टावर थाना निवासी एक पीड़ित महिला ने रिपोर्ट पुलिस को दी थी, जिसमें बताया गया था कि जब लॉकडाउन 2 का फेज चल रहा था, उस दौरान उसकी मुलाकात इस आरोपी युवक से हुई थी और इसने जो है उसके परिवार की तमाम जानकारियां जुटाने के बाद उन समस्याओं के निदान के लिए तंत्र मंत्र की विद्या अपनाने और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको दूर करने के लिए पैसा डबल करने की स्कीम बताई थी और ऐसा करके विभिन्न चरणों में उससे 1 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है ऐंठ ली थी और इसमें जो है कई ऐसे स्वर्ण आभूषण भी थे जो निजी फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखवा कर इस आरोपी ने ये पैसे वसूले थे। जो पुलिस की पड़ताल में निकल के सामने आया कि जो आरोपी युवक है ये जो है संभ्रंत परिवार का युवक है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, इसके माता पिता सरकारी सेवा से रिटायर्ड है, लेकिन इसको ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी। उस ऑनलाइन गेमिंग में विभिन्न एप्लीकेशनों के जरिए ये ऑनलाइन गेम्स खेला करता था और जिसमें ये करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा हार चुका था और बाजार में भी इस पे काफी कर्जा हो गया था। तो उस कर्जे को उतारने के लिए ये जो है इसने इस महिला के साथ संपर्क साधा और उसके परिवार की और आर्थिक स्थितियों को जानने के बाद उसको बहला फुसला कर उससे सिलसिलेवार जो है ये रकम जो है उसने ऐंठी थी। ये सिलसिला 2021 से 2023 तक लगातार जारी रहा और जब पीड़िता ने रकम वापस मांगनी चाहिए तब ये आनाकानी करने लगा आरोपी युवक मशीर खान जो है। उसके बाद इस पीड़ित महिला ने क्लॉक टावर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल को SP देवेंद्र बिश्नोई ने एक्टिव किया और आरोपी युवक का मोबाइल की पड़ताल के साथ साथ जो इसके बैंक खाते थे जिसमें ऑनलाइन रकम जो है ट्रांसफर किया करती थी पीड़िता, इसकी पड़ताल के बाद इस आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कोर्ट में पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया है कि क्या इस तरह की के और भी कोई शिकार इस युवक के कब्जे में रहे हैं जिनके साथ इसने इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ये फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान उससे पूछताछ करेगी। चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए।